आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। लूट के तीन आरोपी को सरागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरागांव के डबरी चौक के पास आरोपियों ने लूटपाट के घटना को दिए थे अंजाम। पुलिस के बताए अनुसार आरोपी बलदेव प्रसाद सूर्यवंशी, बोटलाल सूर्यवंशी, नौधा सूर्यवंशी तीनों सरागांव निवासी हैं, जो दिनांक 4 अगस्त 2021 को रोड में चल रहे ट्रक ड्राइवर को रुकवा कर नकदी रकम सहित एक नग नोकिया मोबाइल को लूट लिए, जिसका जुमला कीमत लगभग 3500 रुपये है। इतना ही नहीं, लूट करते समय चालक एवं हेल्पर से मारपीट भी किए थे, जिसकी शिकायत ट्रक ड्राइवर ने सारा गांव थाना में दर्ज कराया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए सारा गांव पुलिस ने तत्परता के साथ जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं जाँच पड़ताल के दौरान तीनों आरोपी ने पूछताछ में घटना को कारित करना कबूल कर लिए और पुलिस से नकदी रकम सहित मोबाइल को जब्त कर मामले दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। 4 अगस्त को थाना सारागांव में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वो 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे करीब कस्ट बलौदा बाजार साइड से लेके माल आ रहा था अपने ट्रक में, वो सारागांव डबरी चौक के पास पहुंचा था। वहीं 4 अज्ञात युवकों के द्वारा उसका पैसा और मोबाइल लूट लिया गया था। इसी संबंध में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही थी और विवेचना करने के पश्चात सारा गांव के ही 3 लड़के बोटलाल और बलदाऊ प्रसाद और नौधा प्रसाद, ये 3 लड़कों ने उसके साथ लूट कारित किया था और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद प्रार्थी से उसकी पहचान कार्यवाही कराकर विधिवत उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।